सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाओ। क्या नहीं चाहते रोहित शेट्टी अपनी फिल्म में एक फीमेल पुलिस? रोहित शेट्टी के पहले एवेंजर कौन है और क्या एवेंजर्स की टीम खड़ी कर रहे हैं डायरेक्टर? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी और उनकी फिल्मों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। बॉलीवुड एक फीमेल कैरेक्टर को फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर डालने और फिल्म की शोभा बढ़ाने के लिए यूज करता आया है। हॉलीवुड फिल्मों में भी महिलाओं को केवल एक मोम की गुड़िया या फिर एक परफेक्ट इंग्लैंड हाउस वाइफ के तौर पर ही दिखाया गया है, लेकिन अब काफी कुछ बदल गया है। मिशन मंगल और चॉपस्टिक्स कुछ ऐसे नाम है जिसमें महिलाओं के पात्रों का इस्तेमाल किया गया है ताकि इन फिल्मों का कॉन्सेप्ट उजागर किया जा सके। और अब रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी आती है जो बड़े पर्दे पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को एक कदम पीछे ही है। रोहित एक प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक हैं जिन्होंने लोकप्रिय सिनेमेटिक एक्शन एक्सपीरियंस को बॉलीवुड की मुख्य धारा में वापस लाए हैं। उन्होंने अजय देवगन अभिनीत सिंघम के साथ कॉप ड्रामा फिल्मों के फैशन में खुद के लिए एक जगह बनाई, जबकि उन्होंने सिंघम रिटर्न्स में बाजीराव सिंघम के रूप में दोबारा से दर्शकों को उनका पसंदीदा सिंघम भाव लौटाया। फिर 2019 में उन्होंने सिम्बा का निर्देशन किया, जिसमें रणवीर सिंह ने संग्राम सिम्बा भोले राव के किरदार निभाए थे, जो एक भ्रष्ट पुलिस से रक्षक बन जाता है। अब उनकी नवीनतम सूर्यवंशी में अक्षय कुमार को एटीएस पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक ग्लोबल थ्रेट होगा। योग्य रूप से सूर्यवंशी के इर्द गिर्द प्रचार हो रहा है, जिसे देख कर लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब रोहित शेट्टी के पास एक जबरदस्त फॉर्मूला है। प्रतिशोध के साथ एक मिडिल क्लास आदमी से जुड़ी कहानी हो तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन फिल्मों में अभिनेत्रियों को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि करीना कपूर खान का अवनी किरदार ही रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में उभर कर आया था। काजल अग्रवाल के काव्या भोसले किरदार को भी एक कॉमिक और आवश्यक रोमांटिक ट्रैक के लिए शालीनता से उभारा गया था, लेकिन फिल्म के मुख्य पुरुष किरदारों से फिर भी ये पीछे ही रहे। लोकप्रिय एक्शन जॉनर के प्रशंसक पर्दे पर एक्शन मारदार देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ही फिल्म की हीरोइनों को अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता है। आयरनी ये है कि जहां रोहित की फिल्म की स्क्रिप्ट में महिला पात्रों का शिकार हुआ है, वहीं अभिनेत्रियों को शायद ही कोई महत्व दिया जाता है। सिंघम में हम देखते हैं कि अजय एक विधवा और उसके बच्चे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सिम्बा में रणवीर फीमेल ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग और मर्डर को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टोरी पॉइंट भी महिला केंद्रित है, लेकिन लड़ाई का नेतृत्व एक पुरुष करता है। रोहित के यूनिवर्स में लगभग कोई महिला पुलिस है ही नहीं, या फिर रोहित एक एक्शन करते हुए अभिनेत्री पर ट्रस्ट नहीं करते। सारा अली खान का किरदार फिल्म सिम्बा में रोहित के महिला किरदारों की अनदेखी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्क्रीन समय के मामले में सारा की भूमिका बहुत सीमित थी, लेकिन वो आवश्यक रूप से एक रोमांटिक गीत नंबर पे उपस्थिति दर्ज कराती है, और अब शायद अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में भी आप ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मसाला फॉर्मूला फिल्मों की बात करें तो महिला किरदारों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और अक्षय, रणवीर, कैटरीना, अजय और करण जौहर जैसे लोकप्रिय सितारों के इस विचार का समर्थन करने के साथ ये और भी अधिक प्रॉब्लमैटिक होते जा रहा है। क्या सूर्यवंशी आज के समय में रेलेवेंट है? FICCI Frames to 2019 इवेंट के दौरान फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने खुलासा किया था कि सिंघम और सिम्बा के बीच संबंध के बाद वो एक महिला पुलिस को फ्रेंचाइजी में लाने के लिए तैयार हैं। अजय देवगन स्टारर सिंघम और सिंघम रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। दक्षिण भारतीय फिल्म प्लॉट और रोहित शेट्टी के अनोखे एक्शन दृश्यों के बेमिसाल जोड़ ने फिल्मों को सफलता की गारंटी दी है। इसी तरह की सफलता रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा को भी मिली थी। एक भ्रष्ट पुलिस वाले से सच्चे पुलिस वाले में बदलती सिम्बा की कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई, और रणवीर सिंह की मूछें और मराठी बोली ने सबके दिलों पर जादू कर दिया।
दबंग के साथ जो शुरू हुआ वो पूरी तरह से एक नई तरह की बॉलीवुड फिल्म श्रृंखला के लिए रास्ता बनने में सफल रहा। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में एक्शन, मारदार उड़ती गाड़ियां और बेमिसाल बीजीएम के अलावा बहुत कुछ है। रोहित को फीमेल लीड कॉप ड्रामा का आइडिया तब आया जब कैप्टन मार्वल की इंटरनेट पर सराहना शुरू हुई। रोहित शेट्टी को प्रेरणा वाली फिल्मों के एक निश्चित ब्रांड के लिए जाना जाता है और इस उत्सुकता से ब्री लॉर्सन के नेतृत्व में बनी कप्तान मार्वल रोहित के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। सिंघम को शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का पहला एवेंजर कहा जा सकता है और अजय देवगन ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। शेट्टी का यूनिवर्स वो है जहां पुलिस बुरे लोगों को पकड़ने के साथ साथ कॉमेडी और इमोशनल फीलिंग जाहिर करती है। मार्वल के पास कैप्टन अमेरिका और शेट्टी के पास बाजीराव सिंघम था। रोहित शेट्टी की तीसरी पुलिस वाली फिल्म सिम्बा पहले की दो फिल्मों से अलग थी। ये हमारे पास एक पुलिस वाला संग्राम भोले राव है जिसने केवल पैसे वसूलने और एक पुलिस कर्मी होने का आनंद लेने के लिए काम किया। एक इंसिडेंट के बाद ही वो अपना रास्ता बदलता है और न्याय के लिए संघर्ष करता है। तो क्या आपको भी लगता है हमारी फिल्मों में एक पुलिस वाली या फीमेल ठग होनी चाहिए? क्या ये फूलन देवी की तरह होंगी या फिर हेमा मालिनी की तरह? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।